हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर न्यू वीडियो। तो सबसे पहले जय माता दी। तो आज हम आए हैं वैष्णो देवी। तो यहाँ पे टोकन के लिए लाइनों में लगे हुए हैं और बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे आपको एक आधार कार्ड और कोई भी आईडी प्रूफ साथ में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आईडी देखने के बाद ही वो रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको ऐसा यात्रा कार्ड मिलेगा जो कि आपको पूरी यात्रा में रखना बिल्कुल ज़रूरी है, और इसी के साथ आपकी बाणगंगा चेक पोस्ट में एंट्री होगी। ये है मेन गेट, यहाँ पे पहले आपकी चेकिंग होगी, उसके बाद ही आपको एंट्री दी जाएगी। यहाँ से आप घोड़ा, पालकी, पिट्ठू ले सकते हैं। ये है बाणगंगा का प्राचीन मंदिर, यहाँ पे दर्शन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। वो लोग निराले होते हैं, माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। यहाँ पे आपको ऐसी बहुत सी शॉप्स दिख जाएंगे जहाँ पे गुफा बनाई गई होगी माता रानी की, और अमरनाथ बाबा जी बनाए गए होंगे। यहाँ पे आप फोटो शूट करवा सकते हो। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार सजाया है। चलो 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 चलो
यहाँ पे आपको खाने पीने की बहुत सी दुकानें मिल जाएंगी, तो आप खाकर अपना आगे बढ़ सकते हैं, अपनी यात्रा आगे बढ़ा सकते हैं। अपनी आँख के तारों का रास्ता देख रही है माता, अपनी आँख के तारों का हो मस्त हवा। ये है यात्रा का पहला पड़ाव, चरण पादुका मंदिर। मस्त हवा की झोंका, मस्त हवा काय की झोंका, ये संदेश लाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो। यहाँ सीढ़ियों से होके भी एक रास्ता जाता है जो कि शॉर्टकट है, तो यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप सीढ़ियों से जाना चाहते हैं या रास्ते से। हम सीढ़ियों वाले रास्ते से नहीं गए थे क्योंकि हमें सीढ़ियों वाला रास्ता थोड़ा मुश्किल लग रहा था। बोलो भैया भी बोलो, बोलो जी बोलो, ओए पीछे वालो, चाची जी बोलो, आंटी जी बोलो, अरे बचवा बोले फिर से बोलो, ये जय माता दी कहने जाओ आने जाने वालों को। रात में ऊपर से दिखाई दे रहा कटरा शहर का एक अद्भुत नज़ारा। ये है यात्रा का दूसरा पड़ाव, अर्धकुंवारी मंदिर। यहाँ से भवन के लिए दो रास्ते जाते हैं, एक जाता है हाथीमत्था से होकर और एक जाता है हिमकोटी मार्ग। तो हम तो हिमकोटी मार्ग से गए थे। हाथीमत्था वाले रास्ते में आपको बहुत ज़्यादा चढ़ाई मिलेगी, पर अगर आपने घोड़ा किया हुआ है तो आप हाथीमत्था वाले रास्ते से ही जाओगे। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है,
मस्त हवाओं का, मस्त हवाओं काई की झोंका, ये संदेश लाया है। चलो बुलावा आया है माता के। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको भवन का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिल जाएगा और आपको ऐसे लगेगा कि हम अगले मोड़ पे जाके भवन तक पहुंच जाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भवन यहाँ से भी बहुत दूर है। लंबा रास्ता तय करने के बाद हम फाइनली भवन में पहुंच चुके थे। यहाँ पे हमने लॉकर में अपना सामान जमा करवाया और माता रानी के दर्शन किए और हमें बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। यहाँ से आगे फ़ोन, कैमरा, स्मार्ट वॉच ले जाना कुछ भी अलाउड नहीं है। और उसके बाद हमने सुबह भैरव बाबा जी के दर्शन किए, क्योंकि कहा जाता है कि भैरव बाबा के दर्शनों के बिना यात्रा संपूर्ण नहीं होती है। ये है भैरव घाटी का अद्भुत नज़ारा। यहाँ से आपको सांझी छत का हेलीपैड भी दिखाई देगा और यहाँ पे आप हेलीकॉप्टर द्वारा भी अपनी यात्रा कर सकते हो। आगे जाके सांझी छत में आपको हलवा और चने प्रसाद निशुल्क मिलेगा। नहीं।